मैं समझता हूँ कि इस मुल्क में 23 मिलियन बच्चा स्कूलों में नहीं जाता है, और अभी तक जो भी हुकूमतों ने इकदाम किए हैं उनमें खातिरखा कामयाबी इस सिलसिले में नहीं हुई है। और सबसे हमारा बड़ा चैलेंज ये है कि जब डेवोल्यूशन ऑफ पावर हो गई है सूबों में, तो हमें सबसे पहले काम इस मुल्क में ये करना पड़ेगा कि यकसां तालीमी निज़ाम यहाँ पर लाना पड़ेगा, और वो उसी सूरत में लाया जा सकता है जब तमाम पॉलिटिकल जमातें जो हैं आपस में इकट्ठी हों और एक यकसां तालीम निसाब करें। और उसके बाद मैं समझता हूँ कि 2018 के इलेक्शन के बाद हमें एजुकेशन एमरजेंसी इस मुल्क में लानी चाहिए, क्योंकि जिस मुल्क में 2 करोड़ 30 लाख बच्चा स्कूलों में नहीं है, तो उस मुल्क का फ्यूचर जो है, मुस्तकबिल जो है, वो आप समझते हैं कि क्या हो सकता है।